खास ट्रीटमेंट टीम में आपका स्वागत है। गांव यालकी के पास एक निजी बस के कंडक्टर पर युवतियों से छेड़छाड़ को लेकर आज ग्रामीणों ने बस रुकवाकर कंडक्टर की जमकर पिटाई कर दी। कंडक्टर किसी अन्य बस में सवार होकर वहां से फरार हो गया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच आरंभ कर दी। गांव यालकी के पूर्व सरपंच ने बताया कि इस कंडक्टर की पहले भी शिकायतें आई थी और उसे भाईचारे में समझाया भी गया था, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि टिकटों को लेने के ऊपर कंडक्टर और ड्राइवर के साथ झगड़ा हो रहा है। हाँ जी, हम मौका पर यहाँ पहुंचे, उस टाइम ड्राइवर कंडक्टर को चोट लगी हुई बताया ना, उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। तो क्या बताया जी आपको जब कॉल की थी भी, क्या हुआ है? ये बताया था कि अभी टिकटों को लेकर के कंडक्टर और ड्राइवर के साथ झगड़ा हो रहा है, तो मार पिटाई हो रही है। आईसीएस सेंटर के सामने से दो युवकों ने एक युवक का बाइक चुरा लिया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बाइक मालिक अनिल कुमार ने बताया कि वह एमएम कॉलेज में बने क्वार्टरों में रहता है। कल उसने अपना बाइक आईसीएस सेंटर के सामने खड़ा किया था और अपने क्वार्टर में चला गया। जब वह शाम को वापस आया तो उसका बाइक गायब था। मेरी बाइक चोरी हुई है। तो आप कहाँ रहते हो? मैं एमएम कॉलेज के अंदर, मेरा क्वार्टर है, मैं वहाँ पर अंदर ही रहता हूँ। ये 3:30 बजे करीब मैंने वहाँ पर अपने आईसीआई वहाँ पर मैंने अपनी बाइक खड़ी करी थी और मैं खड़ी करके अपने क्वार्टर के अंदर घर पे गया था। उसके बाद जब मैं शाम को आके देखा, मेरी बाइक नहीं थी। मैंने आईएससी से उसके कैमरे मैंने चेक करे, उसमें मैंने देखा तो उनके एक बंदे हैं, दो बंदे हैं जो कि वो बाइक लेके बाहर की तरफ चोरी करके निकल गए। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए नागरिक अस्पताल में जांच करवाने वाले हर मरीज के COVID-19 के सैंपल लिए जाएंगे। अस्पताल में इसके लिए अलग से COVID-19 सैंपल लेने के लिए डेस्क लगाया गया है। अस्पताल के SMO डॉक्टर राजेश चौधरी ने बताया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए अस्पताल में आने वाले हर मरीज का COVID-19 टेस्ट लिया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। कुछ नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Better known as Chopra TV Corner, located in Sanjay Gandhi Chowk. LED TVs, air conditioners, coolers, every type of fans, gas stoves, water heaters, multimedia players, home theaters, music systems, refrigerators, microwave ovens, washing machines, etc.